मैं YouTube चैनल मैं आपका भाई प्रेम कुमार स्मार्ट प्रेम ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो रवि जी कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। इतना ना कि हम लोग अभी आज हिमाचल घूमने जा रहे हैं। तो ये कौन सी गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं अभी? इसमें से कोई भी चूज कर लेना हम लोग को। तो ये हम तो सोच रहे हैं कि वरना से चले तो और अच्छा रहता है। बाकी अल्टो भी मॉडिफाई करवा कर रखी है। तो अभी जाएंगे और घुमाएंगे पूरा हिमाचल आप लोग को। और वीडियो में बन रही है हम और हमारे रवि भाई के साथ। तू बोल पूरा दिखाएंगे। त्रिलोकी कौन सा मंदिर है? त्रिलोकी मंदिर है और बहुत पहाड़ पे है, आप देख सकते हैं। अभी कितना टेम्परेचर है? बहुत टेम्परेचर जो काफी है। और इस गर्मी में हम जो है घूमने के लिए जा रहे हैं हम और हमारे रवि भाई। और तो चलिए आगे और भी लोग हैं आगे, पूरा दिखाएंगे आप लोग को। वीडियो बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हमारा जर्नी जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी जो है एंजॉय के साथ घूमेंगे और पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। त्रिलोकपुर मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पर ललिता देवी मंदिर भी जो है वहाँ पे भी आप लोगों को पहुँचाएंगे। ये देखिए रास्ता यहाँ से जाता है, रास्ता जाने का रास्ता। उससे पहले जो है आपको अगर कुछ भी सामान चढ़ाने के लिए लेना है तो आप उसे ले सकते हैं। देखिए पूरा जो अभी है सुबह का मौसम, यानी कि लगभग दोपहर का टाइम था तो लगभग आपको मतलब खाली अभी दिखता है। तो अभी हम लोग जो शॉपिंग कर रहे हैं, जितना भी जो सामान लेना है चढ़ाने का आप वो सामान ले सकते हो और काफ़ी मतलब बेहतरीन दाम में और अच्छा दाम में आपको यहाँ पे हर एक सामान मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी महंगाई है तो आपको पता ही होगा कि कहीं भी अगर आप जाते हो तो मतलब ऐसे दर्शनीय स्थान पे तो आपको महंगाई थोड़ा देखना पड़ता है। तो गाइस आप लोग जाइए यहाँ पे घूमिए, हिमाचल में काफ़ी अच्छा जगह है। जो हमारी यहीं से स्टार्ट होगी और यह आप देख सकते हैं बोर्ड पे यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है और आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं पूरा चीज़। और इसके ऊपर अभी जाना है, आप लोग देख सकते हैं सभी लोग जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं और हम भी चढ़ेंगे। आपको जो पूरा वीडियो दिखाएंगे वीडियो पे बने रहिएगा। पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। आपको दिख रहा है कुछ आदमी दिख रहा है आगे पे। आप लोग देख सकते हैं काफी बड़ा पहाड़ी पे चढ़ाई करना पड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना पहाड़ी माहौल है और आप लोग जो है अभी हम लोग को बहुत ऊपर चलना है। व्यू देख सकते हैं आप लोग को, व्यू दिखा रहे हैं कितना खतरनाक व्यू है। आप लोग जैसे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है। आप लोग आइए घूमिए, लेकिन गर्मी में कभी हिमाचल मत आइए नहीं तो फिर आपका हाथ फट के कहाँ चले जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। काफ़ी तगड़ा व्यू है और नज़ारा भी आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक। नजीम आपकी यात्रा को सफल करे। ऊपर जाना है, देख सकते हैं कितना पसीना हो गया है, चढ़ रहे हैं अभी पूरा पसीना से जो है हालत ख़राब हो गया आप लोग को दिख रहा होगा। जय माता दी बोलिए, जय माता दी बोलिए। और तो देख सकते हैं कितना नीचे से हम लोग ऊपर आए हुए हैं, पूरा रास्ता आपको दिख रहा होगा। और सभी लोग आके जो बहुत यहाँ पे थक चुके हैं और बैठने का भी थोड़ा जगह रहता है पास, थोड़ा रास्ता बहुत खराब है और काफी जो खतरनाक रास्ता है। आप लोग देख सकते हैं पूरा पीछे जितना भी आप लोग को देखे पूरा पहाड़ ही पहाड़। अगर एक बार थोड़ा सा मिस करते हैं तो दिक्कत हो, हम लोग को ऊपर जाना है उधर की तरफ रास्ता है पूरा ऊपर उधर की तरफ जाना है। और ऊपर में जो है थोड़ा पानी का भी सप्लाई बहुत कम है और काफी जो है हम लोग को गर्मी भी हो रहा है और काफी मतलब मेहनत हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये लोग देख सकते हैं पूरा कितना जो ये पूरा जो पूरा यहाँ पे व्यू कितना, ये सब फैक्ट्री है, फैक्ट्री हिमाचल की जितनी फैक्ट्री है रहती है, इधर इंडस्ट्रियल एरिया है और इधर जो है पहाड़ ऊपर पहाड़ है। तो चलिए चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको व्यू। ये देखिए पानी का हम बात किए थे, एक बस ये पानी का लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखिए पानी पीने का बस व्यवस्था है, पूरा रास्ते में एक ही व्यवस्था है और पूरा पूरा ही पूरा पहाड़ी एरिया है। आप लोग आइए तो अपना पूरा सामान लेके आइए, रहने खाने पीने का थोड़ा सब चीज़ यहाँ पे थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन जब चढ़ेंगे अब मंदिर जा रहे हैं तो चलिए चलते हैं। गाइस फाइनली जो है पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बाला सुंदरी जी का मंदिर। अभी हम पहुँचे हैं तो अभी एंट्री करेंगे। देख लिया हमारे दोस्तों जो है कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली जो है अंदर का व्यू जो देख सकते हैं, ये अंदर का व्यू है और काफ़ी जो ये मतलब पूरा लाइन में लगाया, जब यहाँ पे जो जब इसका मतलब टाइम रहता है तो काफ़ी जो भीड़ भाड़ तो चलता रहता है। तो इसीलिए जो है पूरा जो है मंदिर की तरफ जो है ये घेर दिया गया है और पूरा जो इसको आपको लाइन में जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं शेर यहाँ माता जी दुर्गा
माता जी का मंदिर है यहाँ पे। और काफ़ी जो देख सकते हैं अभी तो दोपहर का मौसम, तो अभी तो मतलब इसका भीड़भाड़ का इलाका नहीं है तो, लेकिन ये पूरा खाली दिख रहा है आपको, पूरा देख सकते हैं आप लोग। आइए इसी मौसम में आइए, लेकिन थोड़ा गर्मी बस कम हो उसके समय दिसंबर में आप लोग आ सकते हैं। काफ़ी जो है इसका मेला भी लगता है, भव्य मेला भी लगता है और काफ़ी जो है भयंकर मेला लगता है। और एक कहानी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक शेर जो दिख रहा है आपको, ये जो रात में ऐसा होता है कि ये रियल शेर यहाँ पे आता है और सुबह भी चले भी जाता है। तो गाइस फाइनली जो हम लोग आ चुके हैं मंदिर से घूम के, और यहाँ पे हम लोग का आ रहा है समोसा, और समोसा खाएंगे और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो फिर चलेंगे। और काफ़ी जो इन्जॉय के साथ घुमाएँगे, ये हमारे राहुल भैया हैं, इन्होंने ये हमारे टूर गाइड का काम किए हैं। और काफ़ी जो सा इन्जॉय के साथ सब लोग अपना अपना समोसा का वेट कर रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक का वेट कर रहे हैं। तो गाइस आ गया हमारा कोल्ड ड्रिंक और समोसा भी आने वाला है कुछ क्षणों में। पूरा वीडियो बनेगा लास्ट तक, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं मेरा समोसा आ गया है और कोल्ड ड्रिंक भी आ गया है, थम्स अप, और पियेंगे। और पूरा जो है माहौल पूरा एकदम देख सकते हैं कि टाइट, सब खा सब भूख लगा हुआ है सबको और खा रहा है सब भूख करके तरह, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी इन्जॉय के साथ सब लोग खा रहा है। अभी आए हुए हैं ये हमारे राहुल भैया हैं और सभी जो देख सकते हैं कि खा रहे हैं काफ़ी, और ये वेट कर रहा है कुछ लोग तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा से जो मज़े ले खा रहा है। आज मेरा भी समोसा यहाँ पे है तो हम खाना जो स्टार्ट कर चुके हैं। काफ़ी जो एकदम शानदार समोसा है, जब मंदिर की एंट्री करोगे तो वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे आप आके खा सकते हो गाइस। गाइस हमारी कहानी जो है कोल्ड ड्रिंक के साथ यहीं पे ख़त्म होता है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरा पूरा वीडियो जाके आप लोग जरूर देखिएगा।